अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल होममेड रेसिपी ऑफिशियल। तो आज का व्लॉग हम लेकर आ चुके हैं और इस व्लॉग में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। भैयों के साथ बहुत सारी बातें हुई हैं और मैं मायके भी गई, तो वहाँ पे भी सुमेरा और हुमेरा के साथ बहुत सारी बातें, और इसी के साथ शॉपिंग हुई है हमारी, ईद की शॉपिंग बहुत सारी हुई है। अच्छा हुआ है, ईद की शॉपिंग हुई है, एक बिजनेस खत्म हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर वो सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं सिर्फ वही लेते हैं। बिट्टू ये तो है, ज़रूरी होता वही चीज़ देती हैं। तो बताइए बिट्टू, तो चलिए इसी के साथ हम आज का हाँ बताइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हो रहा है आपको? दर्द हो रहा है। कैसे हो रहा है दर्द मेरे बेटे को? एक कॉफी चुप कर देना। ओके। ये तो बहुत दूर है। मम्मी दे साफ दिखा देना। साफ साफ देखना है आपको, और क्या देखना है? और पानी। अच्छा, और बताइए आप कहाँ चलेंगे? जू चलेंगे? जू चलना है आपको घूमी करने? जू कब जाएंगे अपन सब, बताइए। बैठ जाओ बेटा। मंडे को। मंडे को? मंडे को क्या है? संडे को। संडे को? संडे को क्या है? भाई कहाँ जाएंगे? जुई। क्या देखे? और ये हम जा रहे हैं मार्केट, इफ्तार के बाद मग़रिब की नमाज अदा करने के बाद हम जा रहे हैं मार्केट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो बस पहुंच जाते हैं वहाँ, और यहाँ हम पहुंच चुके हैं। ग्रोसरी शॉपिंग हमने कर ली है सारी, और जनाब जो है पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन, पर यहाँ सर्वे डाउन है, तो यहाँ पर ऑफलाइन ही पेमेंट करना पड़ा। तो सारी ही शॉपिंग हमारी ग्रोसरी की हो चुकी है यहाँ से। बोलिए इधर कुछ बताइए आपको कैसा क्या लग रहा है। तो ग्रोसरी शॉपिंग तो हो चुकी, अब ये मुझे जाना है मार्केट सुबह सुबह। तो जनाब का गुस्सा तो देखिए, आज सुबह सुबह बीवी को घर जाना है जल्दी, साजिद साहब की शादी आने वाली है ना, तो उसके लिए शॉपिंग वगैरह करनी है। आज इन्होंने कहा हमें छोड़ दो, चले जाओ कंपनी से। भाई की शादी की शॉपिंग है तो करना तो पड़ेगी ना। तो भाई की शादी भी आ रही है कुछ ही दिनों बाद, इस वजह से मुझे वहाँ के लिए भी शॉपिंग करनी है, बट अभी उसके लिए शॉपिंग नहीं करनी है, अभी भी बहुत सारे काम हैं और ज़रूरतें हैं उसके लिए भी जाना पड़ रहा है। बाकी शॉपिंग तो बाद में होगी, अभी शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं होना है। और आ चुका है ये स्पॉट जो कि है हमद को बहुत ही ज़्यादा पसंद, जो कि मेरे मायके जाते वक्त रास्ते में पड़ता है। तो पहुँच गए हैं हम अपने मंजिल पर, और इन्हें हो रहा है लेट तो इन्हें जाने देते हैं हम जॉब पर, बाकी का व्लॉग हम आगे बनाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। और यहाँ सुमेरा के कुर्ते पर चल रही है कारीगरी नग वग लगाने की। तो बताओ क्या क्या शॉपिंग हो गई आप लोगों की? आई हो गई, बहुत सारी हो गई। क्या क्या आया? लहंगा आ गया, और कहाँ कहाँ जाने का इरादा है ईद पर? कहाँ जाओगी? आलम्मी के यहाँ। और आलम्मी के यहाँ जाना है? पर नानी के यहाँ, और बिहारी वाली। पर नानी क्या? कौन सी उड़ी वाली? उड़ी वाली पर नानी क्या जाएंगी? चलो बताओ आप क्या क्या बचा है और शॉपिंग में? और चूड़ियाँ बची हैं, अभी चप्पल बची हैं,
बाल लेंगी इनके बाल जो है थोड़े से नकली है इसलिए इन ओरिजिनल बालों की जरूरत है। तो ये हुमेरा और सुमेरा हमारी और ये भाइयों देखिए कितना मजा आ रहा है इन्हें। भाइयों अपील के पास आकर कैसा लग रहा है आपको? भाइयों खाने में मस्त है। चलिए और बताइए, सुम्मी के गाल दर्द देने लगे हैं हंस हंस कर। फिर आएंगी और आप क्या क्या बताएंगे? छोले, दही वड़े और खीर कोरमा और फेंदेंगे और सिमेंगे और खीर कोरमा। खीर कोरमा हमें अच्छा हवा अच्छा लगता है। तो अम्मी वहाँ से सिखा रही हैं ये सब बोलना। और ये अलविदा जुमा के लिए भाइयों तैयार हो चुकी हैं। जुमा मुबारक। जुमा मुबारक। आप सभी को हमारी तरफ से जुमा मुबारक। हमारी तरफ से जुमा मुबारक। देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। वाओ माशाल्लाह ब्यूटीफुल। ये देखिए कितना अच्छा है। हम्द हम्द यहाँ देखिए बेटा, इधर देखिए हमारे साइड। ओके बाबा ये देखो। ये फोन कैसे बात कैसे कर लिया? ठग लिया सेट करें बता बता और यहाँ आपको को लग रहा है मैं फोटो खींच रही हूँ बट मैंने बना ली वीडियो। बेटो आप भी जाओ, जल्दी जाओ जाओ, आप भी जाओ दादा के पास। आहा ये अब बोलो जुमा मुबारक। बोलो जुमा मुबारक। बोलो बोलो। तो अब चलिए बनाते हैं इजी टू मेक रेसिपी। उसके लिए हमें दूध को गर्म होने के लिए रख देना है गैस पर और ये है फेनिया। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये रमज़ान में ही मिलती हैं, सिर्फ 11 महीने आपको नहीं मिलेंगी पर आम तौर पर ये रमज़ान में ही आपको मिलेंगी। तो इसे आप नाश्ते में बना सकते हैं, आप इसे इजी टू मेक रेसिपी कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना। बस आपको फेनिया लेनी है, एक बॉल में ट्रांसफ़र करनी है आपको जितनी लेनी है, आप जितना खाना चाहते हैं, और उसमें शुगर ऐड कर लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जितनी शुगर आप खाते हैं उतनी ऐड कर लीजिए, 2 टीस्पून 3 टीस्पून। ऐड करने के बाद उसमें गर्म दूध हमें ऐड कर देना है, जो हमने गर्म किया हुआ दूध है पहले से उसे ऐड कर देना है। तो दूध इतना ऐड करें कि उसमें जो फेनिया है वो अच्छी तरह से डिप हो जाएँ, भीग जाएंगी फेनिया। 2 से 3 मिनट नहीं लगेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगी खाने के लिए। तो यहाँ पर इसे इस तरह से फैला दीजिए ताकि ये दूध में अच्छी तरह से भीग जाए। और बहुत ही आसान रेसिपी है, बस ये बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी क्या है, बस ये तैयार हो चुकी है खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी से गल जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं गर्म दूध में और ये बनकर तैयार हैं। तो बस आप इन्हें इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। अच्छा आपने कभी खाई हैं फेनिया तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और आप कहाँ से हैं ये भी बताइएगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं। और हाँ, ये सेवैयाँ नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है ये सेवैयाँ, उसी के तरह की एक वैरायटी है फेनी जिसे कहते हैं। तो ये जो है इसे फ्राई किया जाता है, फेनी को सेवैयाँ जो होती हैं उन्हें फ्राई नहीं किया जाता, उन्हें हम बाद में रोस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भूनते हैं, उसके बाद हम उसे पकाते हैं। बट इसे जो है फ्राई किया जाता है घी में, इसीलिए इसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पहुँच गए, हाँ खड़े हो यहाँ पे, और हम पहुंच गए हैं शॉपिंग के लिए, चूड़ियों की शॉपिंग पर। और अभी चल रही है मैचिंग की तैयारी हो रही है। बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, रौनक है। रौनक। तो आज है रमज़ान का लास्ट संडे, इस वजह से हम भी पहुंच गए हैं शॉपिंग करने, अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करने के लिए अपने लोकल मार्केट में। क्या बात है भाई, काहे के लिए फोटो खींच रहे हो हमारे? और इधर अंकल पहले डर गए कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, और बाद में दुआएं भी दी बहुत सारी।
फेमस करना है आपको, फेमस फेमस करना है आपको। तो लीजिए, हो चुकी है हमारी ईद की शॉपिंग सारी, बच्चों के कपड़े भी आ चुके हैं सभी। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ, ये भैयों के लिए लेकर आए हैं हम टी शर्ट इस तरह से और ये इसके साथ में शॉर्ट्स है, बहुत ही बढ़िया सा जीन्स का शॉर्ट्स है, शॉर्ट है ना। एक तो ये हो गया भैयों का, तो इसे अलग कर देते हैं हम। और दूसरा भी इसी टाइप का है, इसके साथ भी टी शर्ट है। तो गर्मियों के हिसाब से बच्चों को कुछ ऐसे ही कपड़े चाहिए रहते हैं, तो बस उसी हिसाब के कपड़े लेकर आए हैं। और फिर डिमांड में इन लोगों की यही रहता है कि भाई पेंट और जीन्स चाहिए, तो इसीलिए उसी टाइप के कपड़े लाए हैं इस बार ईद पर। तो ये भी इसी के साथ रही। तो ये हो गए भैयों के, और ये भी रहे यहाँ। और अब ये रहा एक और, तो ये भी इसमें भी जीन्स की पैंट है भैयों के लिए, साइज़ में थोड़ी सी बड़ी आ गई है, उसे छोटा करना पड़ेगा। और इसके साथ में ये हाफ स्लीव्स में टी शर्ट, वो शर्ट है, तो ये भी भैयों का है। और इसी के साथ ये भी भैयों का है, भैयों के लिए हैं, हमद के लिए हैं तो इसके साथ भी जीन्स है, कुछ इस टाइप की फीते वाली जीन्स है, लेसेस लगी हुई हैं इसमें। और इसके साथ ये फुल स्लीव्स शर्ट लेकर आए हैं, तो ये भी हमने अलग से मैच की है पेंट के साथ में। तो ये भी एक भैयों का हो गया। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कपड़े लगते हैं, ईद हो या कोई भी फेस्टिवल हो तो ज़्यादा ही कपड़े चाहिए रहते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी से गंदा कर लेते हैं कपड़ों को। तो यहाँ दूसरा, और सॉरी ये भी रहा भैयों का, ये पैंट है और इसके साथ ये वाली टी शर्ट, ओ सॉरी इसके साथ ये शर्ट है फुल स्लीव्स में। हाँ बेटा शर्ट है, शर्ट है ये। ये भी भैयों का रहा। अब आई बिट्टू की बारी, तो ये हैं बिट्टू के कपड़े, उरूज के कपड़े। तो फर्स्टली मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, ये है टॉप, बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसका फैब्रिक, नेट है ये, बहुत ही सॉफ्ट वाली नेट इसके ऊपर यूज़ की गई है और फ्लेयर्स में है ये, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था मुझे बिट्टू के लिए। तो उसके साथ में ये पैंट है, तो ये भी उरूज के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो इसे भी थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, या मैं इसी तरह से पहना दूँगी जिससे कि इसमें यहाँ पर चूड़ियाँ बन जाएंगी, तो वो भी आजकल चल जाता है सब कुछ। तो ये रहा उरूज के। और इसी के साथ है एक ये स्ट्रेचेबल ट्राउज़र पैंट है इस टाइप की, इस तरह से दिख रहा है ऐसे, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल है, गर्मियों के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया है। तो उसके साथ में ये वाली टी शर्ट मैच की है हमने, ये पेंट अलग से थी और इसके साथ ये मैच की है, तो इसे भी रख देते हैं। ये उरूज का है, और ये रहा उरूज का एक और सेट, तो इसके साथ में प्लाजो है, हरारा टाइप्स प्लाजो है, प्लाजो पेंट, और ये टॉप है उसका, कुर्ता है इसके ऊपर, जैकेट टाइप इसका डिज़ाइन दिया गया है लेसेस के साथ में, और इसी के साथ यहाँ पर भी इसकी भी फिटिंग करने के लिए लेसेस दिए गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है बच्चों के कपड़ों में, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया फिटिंग हो जाती है कपड़ों की। तो ये भी उरूज का रहा। और ये केप लेकर आए हैं एक ब्यूटीफुल सा, गर्मियां हैं तो धूप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये ज़्यादा हेवी भी नहीं है, तो इसकी वजह से बच्चों को गर्मी भी नहीं लगेगी और धूप से भी बच जाएंगे। और यहाँ बहुत सारे जो है ट्राउज़र लेकर आए हैं, ट्राउज़र पैंट्स बिट्टू को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, बच्चों के लिए ज़रूरी रहता है ये सब चीज़ें। तो अलग अलग कलर्स में मैंने यहाँ पर ये हैं ट्राउज़र, तो ये चारों कलर रहे बिट्टू के,
और इसी के साथ में मैं मैच कर दूंगी ये वाली टी शर्ट्स, टॉप्स हैं ये टॉप, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक टॉप ये रहा ब्लैक कलर में। तो सभी आजकल यही ट्रेंडिंग है, तो ज़्यादातर यही चल रहा है, जो ट्रेंड में होता है सिर्फ वही मिलता है, वही समझ में आता है। तो यहाँ पर रेड ब्लैक एंड येलो कलर मैंने मैच किया है, तो इसमें किसी के भी साथ में लगा देंगे, और ये तो ट्राउज़र तो किसी के भी साथ में यूज में आ जाते हैं, और जो टी शर्ट है वो पेंट के साथ में हम कहीं पर भी पहना सकते हैं, बस बच्चे अच्छा लगना चाहिए तो किसी के भी साथ मैच हो जाता है। और यहाँ पर हैं ये शॉर्ट्स, तो ये भी बिट्टू के लिए हैं, रूज के लिए, और ये भैयू के लिए हैं, और इसी के साथ ये एक और पैंट है एक्स्ट्रा में, तो इसके साथ में अभी शर्ट मिलाना है, तो ये जो है ईद के बाद काम किया जाएगा। तो आज की जो शादी आ रही है हम उसमें ये बिट्टू को पहना देंगे, कभी भी पहनाने में आ जाएगी, वो तो बाद में ले लिया जाएगा उसका तो, बट अभी ये लेकर आए थे इसीलिए दिखाया। और इसी के साथ है क्यूट सा पर्स बिट्टू के लिए, तो ये हम पहले ही लेकर आए थे, फैब्रिक है इसका वेलवेट का, बहुत ही क्यूट सा है, तो इसे टीनेजर्स भी रख रहे हैं आजकल तो, पर मेरे हिसाब का तो था नहीं ये। और ये है उरुज का हेयर बैंड जिसमें के स्टोन लगे हुए हैं, सिल्वर स्टोन इस पर वर्क है बहुत ही बढ़िया सा, इस पर जो स्टोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं इस हेयर बैंड को। और इसी के साथ हैं ये बैंगल्स का सेट, बहुत ही बढ़िया सा सेट है, बच्चों की तो हर चीज़ ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट सी होती है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, तो ये दोनों हाथों के हैं इस तरह से, तो ये बहुत ही बढ़िया सा सेट बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पर लिया है एक ब्रेसलेट, तो जो पैंट है जीन्स पैंट वगैरह उन सब पे तो ब्रेसलेट ही अच्छा लगता है, चूड़ियाँ या फिर कड़े अच्छे नहीं लगते, वो तो शादी में यूज़ आ जाएगा उसका। और उसी के साथ है यहाँ पर ब्रेसलेट टाइप हाथ फूल, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और ये रहे क्लिप्स, तो ये उरुज के मामू साहब ने गिफ्ट किए हैं, तो इसे भी मैंने इसके साथ में रख लिया क्योंकि ये हाथ फूल के साथ में मैच आ रहा था, तो मैंने फटाफट से इसे साथ में ही रख लिया। और यहाँ रही ये भैयू की स्लीपर्स जो कि ईद पर उनके चाचू कपड़े लेकर आएंगे उसके साथ में। और ये रहे शूज़, बहुत ही बढ़िया से शूज़ हैं, इसमें जो है लाइट वगैरह भी है, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया रहते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इसे। और एक सेट तो उन्होंने पहले ही पहन लिया, तो वो तो नहीं दिखा पाई मैं, वो पहले ही यूज़ कर चुके हैं, पहन चुके हैं। और ये रहा उरुज की सैंडल, बहुत ही क्यूट सी, तो ये उनके टॉप में मैच की करके लेकर आए हैं, तो उसमें मैच हो जाएगी, तो पहनने में साथ में बहुत ही बढ़िया सी लगेंगी। तो ये हो गए हमारे उरुज और मोहम्मद हमद खान के कपड़े और बाकी के एसेसरीज। ये हमारी बारी, तो यहाँ पर मैंने इसकी सलवार सिली है, मैंने खुद ही सिली है घर में, और ये पैटर्न में सूट है बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखा डिजाइन है। और इसके साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सी दुपट्टा है, चुनरी जिसको बोलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह से जुगाड़ू टाइप्स बना दी हैं मैंने। और ये हो गया सूट, तो इसके साथ की चूड़ियाँ ये रहीं, तो ये एक हाथ की चूड़ियाँ हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी, इसमें कुंदन वाली चूड़ी है और एक प्लेन है, और इसी के साथ दो ये बैंगल्स हैं। तो इस तरह से ये इसके साथ का चूड़ियों का सेट बनकर तैयार हो गया। और ये एक नेकलेस है इसके साथ में, बहुत ही बढ़िया सा इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो इसे आप जो है छोटे मोटे ओकेजन्स पर भी पहन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे ले लिया, बाकी ज़रूरत तो थी नहीं अभी लेने की पर ले लिया, ईद थी इसलिए। और ये रहा दूसरा सूट जिसके साथ है सलवार, जिसे मैंने भाभी से सिलवाया है, बड़ी भाभी मेरी जेठानी, उन्होंने सिल के दिया है, थैंक यू फॉर दैट, ईद के टाइम पर उन्होंने सिल दिया, बहुत ही ज़रूरी था सिलना भी, एक ससुराल में जोड़ा पहनेंगे और एक मायके जाएंगे तब पहनेंगे, इसीलिए
बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन है, पूरा डिजाइन दिखाइए इसका। और इसके साथ में है ये दुपट्टा जिस पर के लेस भी लगी हुई आई है, तो इससे मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ी। लेस भी लगी हुई आई है और बॉर्डर पर भी वर्क है बहुत ही प्यारा सा। तो इसके साथ में बस मैंने चूड़ियाँ ही मैच की हैं, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत थी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रहा चूड़ी का सेट, इसमें भी मैंने कुंदन की चूड़ियाँ लगवाई हैं और एक प्लेन सेट है चूड़ी का पिंक मैचिंग में, और ये कड़े अलग से लगाए हैं। तो बस ये भी हमारा सेट बनकर तैयार हो गया है इस सूट के साथ का। और इसी के साथ यहाँ पर हैं ये सैंडल्स स्लीपर्स टाइप्स फ्लैट हैं, मुझे यही टाइप ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो ये इस पैटर्न में मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन है, मुझे बहुत ही कमी से जो है सैंडल्स वगैरह या चप्पलें पसंद आती हैं, ज़्यादा पसंद आ नहीं पाती हैं डिज़ाइन उनके, बहुत ही परेशान होना पड़ता है इन पर चीज़ों के लिए। और साथ ही इसके लिया है जनाब के लिए रुमाल, गर्मियां हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत लगती है इस चीज़ की, तो इसीलिए उनके लिए एक रुमाल लिया है, बहुत ही बड़ा सा है ताकि इससे फेस कवर कर सकें, धूप से बच सकें उसके लिए। और एक बेल्ट लिया है, बेल्ट की भी ज़रूरत पड़ती है ऑफिस आते जाते हैं तो उसमें भी, तो एक ये ले लिया। और साथ ही इसके मैंने लिया है नकाब, इनर कैप, नकाब नहीं इनर कैप लिया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, गर्मियों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन है इसका। एक इनर कैप मैंने इस टाइप से लिया है इस कलर में, तो ये पीछे बांधने वाला है, उसमें बांधने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बांधना पड़ेगा। और सेम ही डिज़ाइन में मैंने ब्लैक कलर में लिया है, क्योंकि जो नकाब रहता है हमारा, बुरका रहता है, वो भी ब्लैक रहता है, तो ब्लैक ही ज़्यादा सूट करता है ज़्यादातर टाइम्स पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर में लिया है नकाब। और बस यही रही हमारी ईद की शॉपिंग, कंप्लीट हो चुकी है, अब जो है बाकी की तैयारियाँ करनी है, बस छोले और दही बड़े इन सब की चटनियाँ बनाने की बस। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग कंप्लीट हुआ, और ये ब्लॉग आपको कैसे लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उसे भी ज़रूर से बताइएगा। खर्चे वाला ब्लॉग है, इसको अच्छे से पूरा देखना, इसमें कितना खर्चा हुआ है तो पूरा खर्चा जो है खर्चा कितने का हुआ है अंदाजा अपना भी राइट से बताएं। अंदाजा ज़्यादा अंदाज़ा ना लगाएं आप, एक रात की बात, और यहाँ हम बता दें कि इसमें जो इनके मामू साहब ने भी ईद की शॉपिंग के लिए जो है खर्चा पानी दिया था, इसीलिए जनाब जो है अकेले खुश ना हो कि हमने अकेले शॉपिंग कर ली, इनके मामू साहब ने भी अपने दुकान जाके। हाँ तो आपने धूप में गए हैं लेने के लिए, लेकिन खर्चे की बात यहाँ पर करी जा रही है, इसीलिए ये वाली बात हमने यहाँ रख दी, मुद्दे की बात है। और फिर ये कि मामू साहब ने भी इनके बहुत सारे पैसे दिए थे शॉपिंग करने के लिए, बच्चों के कपड़े वगैरह लाने के लिए, तो इसीलिए बच्चों के यहाँ पर कपड़ों की क्वांटिटी जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, बताइए सच है कि नहीं। ठीक है, इसी साथ ये ब्लॉग देखिए आप, बताइए सच है कि नहीं। हाँ ऐसा है, क्या बोलिए। हाँ बोलिए, अब तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज टू कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।